इट्स नॉट बीइंग लाइक दैट कि ऊपर लगेगी तो चलेगी नहीं. सर लॉजिकली क्या होता है, जैसे सपोज ये एंट्रेंस है, यहाँ पे हमने घड़ी लगाया या कोई भी चीज़ टांग दी, कभी ऐसा होता है ना वो कील कमजोर हो गई, कुछ हो गई, आप जा रहे हो तो पता लगा आपके ऊपर ही गिर गई वो, है ना. तो इट कैन हार्म यू, है ना. पता नहीं होता ना कभी वो कील कमजोर हो गई, कुछ भी हो गया तो वो गिरती तो हार्म भी कर जाती है. इसीलिए आपके सिर के ऊपर आगे जाने के रास्ते के ऊपर कभी भी आपको घड़ी नहीं लगा. साइंटिफिकली है, मतलब बेसिकली एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकल हैं जिनको हम दूसरी तरीके से इंटरप्रेट इसलिए कर देते हैं कि उसको आदमी डर से तो किसी चीज़ को मान लेता है, कई बार साइंस की वजह से आदमी नहीं मानता, डर से आदमी ज़्यादा मानता है चीज़ों को, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है. तो इसीलिए आपको उसके ऊपर वो घड़ी नहीं लगानी. अच्छा, कट ईस्ट, कट ईस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी डायरेक्शन है वास्तु से, इसकी कोई भी डायरेक्शन होती है वो पूरी होनी चाहिए, है ना. तो कट ईस्ट का मतलब ये होता है कि अगर वो कटा हुआ है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब वास्तु के हिसाब से क्या है कि सारी चीज़ें पूरी 90 डिग्री एंगल होने से सारी. अब पता लगा वो इस तरह से हो गया. ठीक है, इस तरह से हो गया, तो ये कट हो गया पार्टी. तो ये जो कट पार्ट होता है कभी भी अच्छा नहीं होता, मिसिंग पार्ट्स इनको बोलते हैं वास्तु में, दे आर नेवर गुड, क्योंकि उस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ कमजोर हो गई, है ना. अगर वो कट हो गया तो यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, स्ट्रेंथ कम होने से क्या है तो उससे होने वाले बेनिफिट्स हैं वो हमें नहीं मिल पाते, वो बेनिफिट्स कम हो जाते हैं. तो दिस इज नोन एज कट ईस्ट. कट ईस्ट ओवरहेड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक पानी की टंकी ऊपर जो होती है, ये डस्टबिन, डस्टबिन अगर अपन लोग रख देते हैं, डस्टबिन स्टोर रूम ईस्ट में अगर होता है तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है. ठीक है, हेल्थ इश्यूज आते हैं. एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, नेवर एवर कीप योर डस्टबिन नियर द एंट्रेंस. एंट्रेंस के पास कभी भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए. देखो डस्टबिन में क्या होता है, शिट जाता था, है ना. और हमारे किसी भी बिल्डिंग में जो कुछ भी आता है वो एंट्रेंस ही आता है, अच्छा या बुरा जो भी एनर्जी आती है वो एंट्रेंस ही आती है. तो अगर आप डस्टबिन रखते हो तो यानी डस्टबिन क्या है, वहाँ पे आने वाली एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है. तो इसलिए एंट्रेंस के पास कभी भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए, डस्टबिन हमेशा अंदर होना चाहिए. इट इज़ बीइंग सेड कि आपको डस्टबिन कभी नहीं दिखना चाहिए, झाड़ू और डस्टबिन कभी दिखने नहीं चाहिए आपको. मानो सपोज अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल अपन लोग इस ऑफिस में आते हैं, पता लगा यहीं पर डस्टबिन रखो और बास बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू करो, तो आप ये लगा करके देखिए.